देखिए, ये लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इस सम्मेलन में आए हुए समस्त लोकतंत्र सेनानियों का मैं सरकार की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। कार्यक्रम का नाम लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के माध्यम से आभार ज्ञापन का दिया गया था। मैंने निवेदन किया है कि आप जिसे आभार कहते हैं, सरकार उसे अपना कर्तव्य मानती है। आपने लोकतंत्र को बहुत कठिन संघर्ष के आधार पर बचाने का काम किया है, और आपके सम्मान में सरकार के माध्यम से जो भी कदम उठाया जा सकता है वो उठाया गया है, और कुछ मांग पत्र भी यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करूँगा। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जो भी लड़ाई लड़ी गई है वह उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी कम होगी। जिस समय यह लड़ाई लड़ी जा रही थी, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय का जो पीड़ाजनक इतिहास है उसको पढ़ करके यही ध्यान में आता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे अनेक मतलब हमारे नेताओं ने उस समय इस लड़ाई में हिस्सा लिया, और उसमें तमाम राजनीतिक दल से भी, लेकिन उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवक अलग अलग दायित्व वाले, उनको भी गिरफ्तार करने का काम उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया था, और निर्दोष लोगों को जेल में ठूस देने का काम किया था। लेकिन लोकतंत्र इस देश में इतना गहराई तक प्रवेश किया इन संघर्षों के कारण कि जब चुनाव आए तो उसमें कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा जी की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। इसलिए यह संदेश साफ है कि इस देश में अगर कोई लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ इस देश की जनता सदा खड़ी है। यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश है मेरा।